विपक्ष के जितने सारे पार्टियां हैं उनको सिर्फ मातम मनाने के सिवा कुछ नहीं आता है, फिर भी ये लोग मातम मनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि हाय तौबा देखो कश्मीर में क्या हो गया। सरकार अगर अच्छी पहल करे तब भी कोसो, सरकार अगर कुछ ना करे तब भी कोसो। बिरयानी का जो महक है वो महक की बातें यहाँ आके ये लोग करते हैं, सिर्फ सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है। उस समय अगर इंदिरा गांधी जी चाहती तो क्या वापस नहीं ले सकते थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को? सर कश्मीर में इस टाइम पे हमारे देश में मेहमान आए हुए हैं और विपक्षी पार्टियां जितनी भी है वो इस टाइम पर हमारे देश की संस्कृति पे सवाल उठा रही है, तो क्या लगता है ये सही टाइमिंग है? देखिए जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जितने सारे मेहमान आए हैं, ये देश जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए सारे मेहमानों का स्वागत है। और वो लोग अपनी आंखों देखी आके देख के जाए कश्मीर पे, सरकार ने बाकायदा इजाज़त दिया है कि हर कोई जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से या फिर संयुक्त राष्ट्र के जो डेलीगेट्स आए हैं वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी तरह का रोक ठोक नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि विपक्ष के जितने सारे पार्टियां हैं उनको सिर्फ मातम मनाने के सिवा कुछ नहीं आता है। आज अगर सरकार अगर अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन को कश्मीर नहीं भेजती फिर भी ये लोग मातम मनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि हाय तौबा देखो कश्मीर में क्या हो गया, ब्लैंकेट बैन लग गया है वहां पे, तो गोलियां चल रही है, रक्तपात मचा हुआ है, जिसके चलते सरकार ने पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, कोई वहां जा नहीं सकता है, हकीकत में माहौल के बारे में पता नहीं लगा सकता है, तब भी कोसते हैं। और जब सरकार ने खुला छूट दिया है अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके तफ्तीश कीजिए, आप भी कोसेंगे कि क्यों आए हैं ये लोग और वहां जाके क्या कर रहे, हमारे देश के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इनकी तो नीयत और फितरत ही है कि इस तरफ भी सरकार को कोसो, उस तरफ भी सरकार को कोसो। सरकार अगर अच्छी पहल करे तब भी कोसो, सरकार अगर कुछ ना करे तब भी कोसो। इनका जो राजनीति है आज के डेट में कोसने के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं। आपको ध्यान होगा जब किसी व्यक्ति की एक तरह से जनाजा निकालते हैं उस समय रुदाली निकलती है मातम मनाते हुए, जनाजा के सामने रुदाली होते हैं मातम मनाते हुए। आज के डेट में हमारे विपक्ष भी कहीं ना कहीं पे राजनीतिक रुदाली बन चुकी है, इनको मातम मनाने के सिवा कुछ नहीं आता है। सत्ता तो इनके हाथ से चली गई, कुर्सी इनके हाथ से चला गया, तिजोरी इनकी खाली है, जो काला धन का लूट इन्होंने जमा के रखा था वो सारी चीजें खाली हो चुका है। बड़े बड़े विपक्ष के नेता सब तिहार में है, एक भूतपूर्व होम मिनिस्टर यूपीए सरकार के चिदंबरम साहब अब सरकारी मेहमान है, लाइन में ऐसे बहुत सारे हैं जो लाइन में लगे हुए कि कल इनका भी बारी आ सकता है, जेल में जा सकते हैं। तो जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता की नजर को भ्रमित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विकास का शोर जो पूरे देश भर में डंका बज रहा है और एक जो विकास का योजना लेके चल रहे हैं वो सारी चीजों से जनता की नजर को भ्रमित करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। मैं तो इनकी बातों को तवज्जो नहीं देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो तब भी ये लोग रोएंगे। एक उदाहरण दूं, अगर मैं विपक्ष के सामने अगर मैं हाथ में रसगुल्ला और गुलाब जामुन लेके जाऊं, खाएंगे तो दोनों ही, रसगुल्ला भी खाएंगे और गुलाब जामुन भी खाएंगे, पर लड़ेंगे मेरे साथ इस बात पे आपने गुलाब जामुन पहले क्यों नहीं दिया, आपने रसगुल्ला क्यों पहले दिया, या फिर रसगुल्ला के जगह पे आप समोसा दे सकते थे, समोसा के जगह पे आप इडली दे सकते थे, कटलेट दे सकते थे। असल में इतनी भूख इनकी हो गई है और इतना लालसा है इनका, तिजोरी इनका साफ है, सत्ता इनके पास नहीं है, तो उसी चीज
इसके मातम मनाते हैं कि हे ईश्वर कब मौका मिले और कब दोबारा कुर्सी में बैठूं और जनता की पैसा को लूटूं, तो इसलिए भ्रमित करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जनता का सरकार का जो पहल है कश्मीर नीति को लेके, केवल जनता ने मोहरा नहीं लगाया है उस पर, उसके साथ साथ पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे समर्थन मिला है। आर्टिकल 370 पे सऊदी अरेबिया से लेके तमाम जितने सारे गल्फ के देश हैं सबने मोहरा लगाया, सबने कहा ये भारत की इंटरनल मैटर है और हम भारत के सरकार के निर्णय के साथ है। जब दुनिया भर में इन लोगों ने मातम मना के कुछ नहीं कर पाए, अब ये केवल एक भ्रमित करने की और षड्यंत्र रचाने की राजनीति की हरकत विपक्ष कर रहा है, तो क्या साबित करना चाहता है, वो भारत के साथ है या किसी और देश के साथ है? ये तो उनसे ही पूछिए, उनसे ही पूछिए कि किसके साथ है, और ज़रा उनकी ही तफ्तीश कीजिए पासपोर्ट में कि उन सब देशों में जहाँ से इनको फरमान मिलता है उन सब देशों से कितने बार वो गए वहाँ पे न्योते पे, और कितने बार वहाँ गए उनके सरकार के पैसे पे, कॉन्फ्रेंस पे, सेमिनार पे और तमाम गोष्ठियों पे। ज़रा पूछिए इनसे कि रावलपिंडी कितने बार गए हैं, इस्लामाबाद कितने बार गए हैं, और कबूल कितने बार गए हैं, और वहाँ पे कितने बार आपके अफगानी चिकन खाए हैं और बटर चिकन खाए और बिरयानी खाए हैं। वही बिरयानी का जो महक है वो महक की बातें यहाँ आके ये लोग करते हैं। सिर्फ सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है, जनता इनके साथ नहीं है। और मेरे जैसे बुद्धिजीवी लोग जो इनके षड्यंत्र को समझते हैं, हम लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग कतई इनके षड्यंत्र का साथ नहीं हो सकते और ना ही इनके षड्यंत्र का साथ देंगे। मैं जानता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री 20-20 22-22 घंटा काम कर रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं, देश के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, हर समय उनके नजर में माँ भारती होती है और भारत माता होते हैं। तो मैं उनके साथ हूँ, ना कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के साथ। ओवैसी का कहना है कि कश्मीर में मुस्लिम पक्ष रहते हैं, मुस्लिम ही ज़्यादा रहते हैं, और कश्मीर वो लोग जा रहे हैं जिनको इस्लामोफोबिया है। ओवैसी साहब, हैदराबाद में कितने मुसलमान रहते हैं, आंध्रा में कितने मुसलमान रहते हैं, क्या वहाँ पे लोग लामबंद हो रहे हैं क्या इस फोबिया के चलते? आपको अगर इतना ही चिंता है कश्मीर के बारे में और आप अगर कह रहे हैं कि इस्लाम के धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे, तो कृपया करके उनके लिए जाके काम कीजिए ना। एज ए सच्चा मुसलमान के हिसाब से हैदराबाद में खड़े होके क्यों गुमराह करते हैं लोगों को? वहाँ श्रीनगर में जाइए, श्रीनगर में जाके काम कीजिए, वहाँ से चुनाव लड़िए आप। पाकिस्तान ने जो बर्बरता फैला के रखा है, रक्तपात जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने फैला के रखा है कश्मीर पे, जिस पे निहत्या मुसलमान मर रहे हैं, उनके लिए जाके आंसू बहाइए आप और पाकिस्तान के विरोध में बोलिए और श्रीनगर से अगला लोकसभा चुनाव आप लड़िए। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि बाहर के देश के जितने भी लोग हैं उनको सैर सपाटे के लिए आप कश्मीर बुला रहे हैं, लेकिन जो अपने ही देश के लोग हैं उनको आप हवाई अड्डे से वापस भेज रहे हैं, क्या अनोखा राष्ट्रवाद है ये? प्रियंका नेहरू वाड्रा जी ने जो कुछ कहा है वो उनकी अपनी खुद की निजी सोच है। और ज़रा ये सब चीज़ें बोलने से पहले आप अपने गिरिबान में तो झांक के देखिए ना, आपका नाना का क्या योगदान था कश्मीर मुद्दा को लेके, कौन लेके गया था संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को, जब वल्लभ भाई पटेल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और हमारे देश के उस समय के सेना अध्यक्ष ने कहा था कि केवल 12 घंटा चाहिए मुजफ्फराबाद को वापस लेने में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने में, आपके नाना ने सेना को क्यों रोक दिया था? किसने कहा था संयुक्त राष्ट्र में कि प्लेबिसाइट कराएंगे वहां पे, रेफरेंडम करवाएंगे, यानी कि जनसम्मत करवाएंगे वहां पे? आपकी नाना की आश्वासन थी ना ये, आप एक ही नाना ने संयुक्त राष्ट्र में लेके गया था वो ये मुद्दा। आपके जो दादी है, आपके दादी ने क्या किया था
शिमला समझौता के दौरान 1971 में बांग्लादेश जब बना वहाँ पे तो हमने जंग तो जीत ली थी, लगभग 95,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर थे, पर आपने झोली में दे दिया था उनको। उस समय अगर इंदिरा गांधी जी चाहती तो क्या वापस नहीं ले सकते थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को? प्रियंका नेहरू वाड्रा जी, पहले ज़रा इन सब चीज़ों पे ज़रा विस्तार से बताइए, और इन सब चीज़ों पे आपके ग्रैंडफादर के चलते और आपके ग्रैंडमदर के चलते और आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के चलते पंडित नेहरू के चलते जनता से देश से पहले माफ़ी मांगिए उन सब चीज़ों के लिए, उसके बाद जाके मौजूदा सरकार को कोसिए। आज जो मौजूदा सरकार जूझ रही है कश्मीर मुद्दे को लेके, झोली में आपने दिया है वो, आपके जो कुरीति रही है, आपके कुरीति वो वरदान है ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। और आज पूरा कश्मीर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुलग रहा है केवल केवल पंडित नेहरू के लिए और केवल केवल इंदिरा जी के चलते। उस पे जरा आप जवाब दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि क्या आपको अपने देश के नेताओं पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है आपके देश के नेताओं को, जो आप बाहर की विदेशियों को बुलाकर उनकी मदद ले रहे हैं कश्मीर से? कैसे विश्वास कर ले पंडित नेहरू की नीतियों के चलते जो कश्मीर मुद्दा बना, कैसे विश्वास कर ले? इंदिरा गांधी जी ने जब अगर चाहती तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकती थी, उन्होंने लिया नहीं था, कैसे विश्वास कर ले? राहुल जी जब कहते हैं सेना के बारे में कि खून के दलाली करते हैं, और बालाकोट के बारे में कहते हैं कि पुख्ता सबूत लाओ, और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पुख्ता सबूत लाओ, तो कैसे विश्वास कर ले? आपके संगठन के नेता लोग कहते हैं सेना के अध्यक्ष के बारे में कि गली के गुंडे हैं, तो कैसे विश्वास कर ले? विश्वास तो जगाने से जगता है ना, पहले जगाइए विश्वास जनता के अंदर प्रियंका नेहरू वाड्रा जी, उसके बाद फिर कहिए सरकार से कि आपके पार्टी को भी विश्वास करने की आवश्यकता है।